गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अटैक एजुकेशन। अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर रोज़ का वीडियो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। तो अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के लिए किस प्रसिद्ध मंदिर के सोलराइजेशन के लिए एक योजना शुरू की है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ग्रामीण आजीविका मिशन ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाबा रामदेव के नेतृत्व पतंजलि ने स्वदेशी वस्तुओं और देश में निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर मी। ये सब जो क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पूछ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। किस संस्था ने अल्जाइमर रोग से संबंधित स्मृति हानि या अल्पकालिक नुकसान को कम करने के लिए तरीके खोजे हैं। संस्था है ना, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 21 में 10% तक अनुबंध करने की संभावना है। कितना प्रतिशत तक अनुबंध करने की संभावना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा 5%। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, मीन्स चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा कार्मेन रेनहार्ट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन पे। आंध्र प्रदेश सरकार MSME को पुनर्जीवित करने और प्रभावित लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए एक योजना लेकर आई है, वो कौन सी योजना है। तो हम चल देख लेते हैं, ऑप्शन तो दिया हुआ है और आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो गया रीलॉन्च। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट पे। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन प्रदान करने पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष, ठीक है, 3 इयर्स। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को लाल और गैर लाल क्षेत्रों में विभाजित किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर टेन पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स इज टेकिंग
हाइड्रोक्सीक्लोरोइन टू बूस्ट हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19। निम्नलिखित विश्व के नेताओं में से कौन कोविड-19 के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।